फर्स्ट एडवांस टीचर, बच्चों को पेट भरकर खाने दो। तुम पेट भरकर क्यों नहीं खाते? वो पेट भरकर खाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको पहले जानना ये जरूरी है कि पेट भरकर खाना या फिर भर पेट खाना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट वांट्स फेल, इट वांट्स फेल। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है इट एज अ मैन वर्ब, इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हीज और आवर, देयर, ये सब इसके बाद आपको यूज कर देनी है फील। यहाँ पर जो मेन वर्ब के हिसाब से आप ईट यूज कर रहे हैं, ये टेंस का अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम्हें पेट भरकर खाना चाहिए, यू शुड ईट योर फील, यू शुड ईट योर फील। बच्चों को पेट भरकर खाने दो, लेट द किड्स ईट देयर फील, लेट द किड्स ईट देयर फील। तुम पेट भरकर क्यों नहीं खाते, व्हाई डोंट यू ईट योर फील, व्हाई डोंट यू ईट योर फील। सब पेट भरकर खा रहे थे, Everyone was eating their fill. Everyone was eating their fill. वो पेट भरकर खाता है. He eats his fill. He eats his fill. Second advanced structure. एक बार उसे घर पहुंचने तो दो. एक बार मुझे पूछने तो दो. एक बार उसे बोलने तो दो. Guys, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे गाइज? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा लेट वर्ब के। सो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा लेट वर्ब, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी आएगा उसे लिख देंगे, इसके बाद हमको यूज कर देनी है जस्ट, जस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्ट, इसके बाद वांट्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आ जाए। एक बार मुझे उससे बात करने तो दो, लेट मी जस्ट टॉक टू हिम वंस, लेट मी जस्ट टॉक टू हिम वंस। एक बार मुझे पूछने तो दो, लेट मी जस्ट आस्क वंस, लेट मी जस्ट आस्क वंस। एक बार उसे घर पहुंचने तो दो, लेट हर जस्ट रीच होम वंस, लेट हर जस्ट रीच होम वंस। एक बार उसे कोशिश करने तो दो, लेट हिम जस्ट ट्राई वंस, लेट हिम जस्ट ट्राई वंस। एक बार उसे बोलने तो दो, लेट हिम जस्ट स्पीक वंस, लेट हिम जस्ट स्पीक वंस। एक बार हमें उसे समझाने तो दो, लेट अस जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड वंस, लेट अस जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड वंस।